कैसे हो आप लोग? मैंने सोचा मोटिवेशन की दुनिया में आपको फिर से एक बार मोटिवेट कर दूँ, उसके लिए आ गया हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो लेके और एक नई मोटिवेशन की कहानी लेके आप सबके सामने। तो चलिए ज़्यादा देर ना शुरू करते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बात ऐसी है, ये कहानी डेडिकेटेड है फॉर दो छोटे बच्चों के लिए। एक की उम्र थी 6 साल, एक की उम्र थी 10 साल। ये दोनों बड़े ही शरारती थे, बड़े ही पूरे गांव में बड़े ही इनकी शरारतों के चर्चे थे और बड़े ही एक दूसरे में खाते, उठना बैठना इनका बहुत सब कुछ एक साथ था। तो एक दिन गए ये एक जगह पर जहाँ पर इनको खेलना था। वो दूर खेतों में गांव से कहीं दूर जगह थी और वो गए और खेलने में खेलने उनकी पतंग एक कुएँ में गिर गई और उस पतंग को निकालने के चक्कर में वो भी चले गए। और जैसे ही वो गए तो उस कुएं में वो 6-10 साल का लड़का पैर फिसल के गिर गया और 6 साल का लड़का देखने लगा कि कोई है क्या मदद के लिए। तो कोई नज़र नहीं आ रहा, एक तरफ दोस्त की आवाज़ें नज़र आ रही है कि भाई बचा ले और दूसरी तरफ से उसके बुलाने के लिए कोई है भी नहीं आसपास। अब बात ऐसी है कि वो 6 साल का लड़का बिना कुछ सोचे समझे उस रस्सी को अंदर फेंक देता है जो बाल्टी वहाँ पे रखी होती है और बहुत बड़े कुएं में से अपने दोस्त को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। कुआं बहुत गहरा था, वो 6 साल का लड़का पूरी कोशिश कर रहा है। बिलाखिर उसने उस बच्चे को पूरी तरीके से, 10 साल के लड़के को उसने बाहर निकाल लिया। बहुत देर के बाद निकाल लिया, वो किसी की नहीं सुन रहा था, उसने निकाल लिया। वो अब डर इसलिए रहे थे क्योंकि वो गांव में जाने ही वाले थे और गांव में जैसे ही जाएंगे तो गांव में क्या होगा उसको सोच के इनकी बहुत लगी पड़ी थी। उनको लग रहा था कि हमको बहुत मार पड़ेगी, हम दूर चले गए, ऊपर से हम गिर गए, इतना सब कुछ हमारे साथ हुआ, इनके बिल्कुल उल्टा हुआ इनके साथ। जैसे ये गाँव में गए वहाँ पर सबको बताया कि यार हमारे साथ, हम कुएं में गए, हम वहाँ पे ये गिर गया, मैंने इसको निकाला, तो कोई भरोसा नहीं कर रहा था, सब हंस रहे थे। अब इसके अंदर एक बात आ गई 6 साल के लड़के के अंदर कि मुझे किसी ना किसी को तो मनाना है, इस बात के लिए एग्री करना है कि उसने इस बात पे ट्रस्ट कर लिया। अब ये पूरा गांव फिर गए, कोई ना मिला इनको आसपास। जैसे ही ये कुएं के पास गए, जैसे ही ये वो अंकल के, वो जो दादा होते हैं ना गाँव के सबसे पुराने, वो थे वहाँ पर, उनका नाम रहीम चचा था, उनके पास वो गए और जाके सारी दास्तान बताई और उन्होंने उस कहानी को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया उस कहानी को कि हाँ भाई ऐसा हुआ था। अब सारे गाँव वालों को चुभन होने लगी कि यार इन्होंने, ये तो बड़े सही इंसान है, मतलब कोई झूठी बात पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन इन्होंने इन बच्चों की बातों पे कैसे भरोसा कर लिया। सारे घर वाले उनके घर पर आए और आके कहने लगे कि यार हमें भी बताइए कि आपने कैसे भरोसा किया इन बच्चों की बातों पर। तो वो रहीम चचा कहने लगे कि मैंने भरोसा, वो बच्चे तो कह रहे हैं तुमको कि उन्होंने क्या किया, मैंने उस पर ही भरोसा किया। तो गाँव वालों ने प्रश्न किया, गाँव वालों ने सवाल किया कि ये छोटा सा बच्चा ये कैसा कर पाया, ये कैसे कर पाएगा कि 10 साल के बच्चे को ये अंदर से निकाल लाया, ये कैसे कर पाया, अंदर से इसकी इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तो रहीम चचा ने मुस्कुरा के बोला कि यही कहने वाला कोई नहीं था, मतलब वो इतना व्यस्त था अपने काम में कि वो खुद की भी नहीं सुन रहा था, वो ये नहीं देख रहा था कि वो बच्चा बड़ा है जिसको वो निकाल रहा है और ये बहुत छोटा है। पड़ गया, पूरी कोशिश की, उसको इतना उसके काम में, माइंड में फोकस था, सिर्फ उसको करना है तो करना है, बचाना है तो बचाना है, कैसे भी बचाना है, लेकिन दोस्त को बचाना है। पूरी कोशिश की उसने दोस्त को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद उसको महसूस हुआ कि मैं उससे छोटा हूँ, समझ रहे हो बात। उसको ये कहने वाला कोई नहीं था कि भाई तू नहीं कर सकता। तो मैं ये कहानी के मोटिव से तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन बच्चों की तरह तुम भी अनस्टॉपेबल हो, तुम भी सब कुछ कर सकते हो। तो बच्चे ने यार इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया है, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन डू दिस। तुम जो भी काम कर रहे हो तुम कर सकते हो, करना मत छोड़ना, बस उस पर फोकस रखना, उस पर मेहनत लगा के रखना और जज्बात पर काबू रखना कि गिव अप की फीलिंग ना आए तुम्हारे अंदर। और जिस दिन ये गिव अप की फीलिंग आई ना उस दिन सपनों को खो दोगे तुम, याद रखना। अपना ख्याल रखिए, सब तक के लिए मिलते हैं।